नमः ॐ प्राणरूपम् आनंदकंदम धरामृतम शिवम गुरुदेवम नमामि। अरण्यम वरेण्यम सुरेशम महेशम त्रयदेवरूपम गुरुदेवम नमामि। न जानामि जापम न जानामि ध्यानम पाशुपतिरूपम गुरुदेवम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। हमिंग याद आ रही, बेस थोड़ा कम कराओ। हरि ओम। हरि ओम। तीरथ नहाए एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। तीरथ नहाने से शरीर की तपन मिटती है पर वो गर्मियों में मिटती है, सर्दियों में नहीं। इस सर्दी में जाके कोई गंगा नहाए अभी तो आपकी शरीर की तपन मिटेगी कि ठंडक बढ़ेगी? ठिठर जाएंगे, कांपेंगे। बाह्य तीर्थ का इसलिए कहा कि एक फल होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी सदगुरु एक तीर्थ दो तीर्थ चार तीर्थ नहीं, सारे ब्रह्मांड में 68 तीर्थ है। इसलिए सहजवाई ने कहा 68 तीर्थ संतों न चरणे गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करूं आरती हरिगुण संतन सेवा। जो संतों की सेवा करते हैं ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की सेवा में सहभागी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं बाह्य तीर्थों में भ्रमण करने वाले और बाहर के तीर्थों से और पूजा अर्चन से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों से मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। क्योंकि भगवान स्वयं संतों की सेवा करते हैं। युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया तब भगवान स्वयं संतों के चरण पखारते हैं, उनके चरण धोते हैं भगवान जैसे भगवान, उनके जूठे पत्तल उठाते हैं। क्योंकि संतों के हृदय में ही भगवान का वास होता है। भगवान कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवये मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल पाप या पुण्य होता है, पुण्य का फल स्वर्ग और
पाप का फल नरक होता है, और उससे भी अच्छे सत्कर्म हुए तो भगवान के धाम वैकुंठ में वास होता है। लेकिन वैकुंठ से भी एक उच्च सुख और ऊंचा सुख है, और वो है संत की शरण में, सदगुरु की शरण में, जिसको स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं कि जो सुख है साध संगत में वो सुख ना ही वैकुंठ में। और इसलिए भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे, जब ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में बैठकर और उनके मुखारविंद से जब हम ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुनने का ढंग चाहिए, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन किस भाव से सुनना चाहिए, किस रीति से सुनना चाहिए। वैसे तो कोई नियम नहीं है, आपके कानों में भगवान का नाम जाएगा तो पुण्य तो होगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद की प्राप्ति के लिए आपको उस नाम से, प्रभु के नाम से जुड़ना होगा, तभी आपको नाम का प्रत्यक्ष फल आनंद की प्राप्ति होगी। और सबको आनंद की चाहत है, सबको सुख की चाहत है, सुबह से शाम तक सब जो भी कार्य करते हैं वो आनंद के लिए ही करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन सच्चा आनंद मिलता कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर। हम दौड़ते हैं बाहर, सोचते हैं अमुक जगह पे बहुत बड़ा सुख होगा, चलो अमुक जगह मेला लगा है, अमुक जगह नई वैरायटी आई है, कुछ सामान मिल रहा है, या अमुक जगह पे जाएंगे कोई नया मंदिर बना है, या नई चीज, नई चीज की तरफ हम आकर्षित होते हैं। आंख दृश्य को दिखाती है तो दृश्य के पीछे भागती है, कान शब्द के पीछे भागते हैं, और ये नाक सुगंध के पीछे भागती है, और जीव स्वाद के पीछे भागती है। तो ये बाहर के सुख के पीछे सुबह से शाम भागते रहो, आपको सुख मिल सकता है, लेकिन सुख के पीछे दुख की छाया है। सिक्का अगर कोई हाथ में लेता है तो सिक्का के दोनों पहलू आपके हाथ में आते हैं, ऐसे ही इंद्रियगत सुख अगर आप लेने जाते हैं तो साथ में दुख की कतार पीछे लगी हुई है। सुख के साथ दुख छाया की तरह है, लेकिन सुख दुख से परे है वो स्वा का आनंद। वो आनंद इंद्रियगत नहीं है, आपके भीतर का है, और वो आनंद पाने के लिए संत कहते हैं संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहां, कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां। स्वराज्य क्या है? अपनी आत्मा परमात्मा का धाम, वही स्वराज्य है। ये भतोला गांव आपका घर नहीं है, हरियाणा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आपका घर और गांव नहीं है, ये तो शरीर का, देह का घर और गांव हो सकता है। शरीर जहां रहता है उस घर वो आपका हो सकता है, लेकिन ये वास्तविक घर नहीं। घर तो कहते हैं कि अपना धाम प्रभु का धाम है, जिस धाम में नानक जी, बुद्ध, महावीर, सबरी, मीरा, और मीराबाई कहती है ऐसे धाम को पाए हुए सदगुरु की संगति ही वास्तविक धाम है। इसलिए मीराबाई कहती, माँ मोहे सतगुरु मिले मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। ससुराल आत्मा का भी होता है और देह का भी होता है। देह में जब किसी की शादी होती, चाहे लड़का लड़की के, तो उसका भी ससुराल बनता है, लेकिन आत्मा का भी ससुराल है। आत्मा का ससुराल है ये 84 लाख रूपी जन्म और मरण रूपी चक्कर, ये संसार। इसमें जब आत्मा आती है तो ये आत्मा का ससुराल है, लेकिन इसका एक पीहर भी है, और वो है भगवान का धाम, सदगुरु का धाम। और जब तक उसको अपना ये वास्तविक धाम नहीं मिलता तो वो अनेक अनेक योनियों में, कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी अनेक अनेक योनियों से यात्रा करते करते और फिर मनुष्य देह धारण करता है। और मनुष्य देह परमात्मा इसलिए देता है कि खाओ पियो और ऐश करो नहीं, बैठ जाओ चौपाल पे, कपड़ा बिछा लो और ताश खेलो और हुक्का गुड़गुड़ाओ और बीड़ी पियो और शराब पियो और सिगरेट पियो, खाओ पियो और ऐश करो, इसलिए जीवन नहीं मिला है। ये जीवन इतना दुर्लभ है, इसको अनमोल रत्न कहा है। नरतन जो तुझको मिला है व्यर्थ गवाने के काबिल नहीं है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है, खाने में, पीने में, देखने में, घूमने में, इसके लिए जीवन नहीं मिला है, ये कहा है रत्न है। जैसे हर देश की सरकार किसी मुख्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मानित करती है भारत रत्न से, हमारे भारत में उसको पुरस्कार मिलता तो उसको भारत रत्न बोलते हैं, उसको उत्तम और सर्वोच्च पुरस्कार, क्योंकि वो उसने ऐसा काम किया। ऐसे ही
परमात्मा ने तुम्हें ये उत्तम नर्तन मानव रत्न दिया है और ये शराब कबाब और बीड़ी सिगरेट और जुआ खेल करके टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है। टाइम पास समय को अगर हम ऐसे ही बिगाड़ते हैं, भगवान का नाम अगर सुमरण नहीं करते, तो गीता में भगवान कहते हैं उसे फिर दोबारा मानव देह प्राप्त नहीं होती जो श्वासों को व्यर्थ ही गवाता है। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है। हमारी मंजिल ये रुपया पैसा धन दौलत कुटुंब परिवार नहीं है, हमारी मंजिल कुछ और है, आनंद है। हम हर चीज में गहराई में ढूंढे तो क्या चाहते हैं, आनंद सबको चाहिए। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम के भूखे हैं, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, लेकिन सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? सच्चा आनंद मिलता है महापुरुष सदगुरु के चरणों में, जिन्होंने आनंद को पाया है। ऐसे आनंद स्वरूप सदगुरु के चरणों में बैठ करके आत्मा और परमात्मा का चिंतन, आत्मा और परमात्मा का ध्यान करके और उसमें गोता लगाने से, भीतर जाने से आनंद मिलता है। और वो होता है अपना स्व का, एक होता है स्व, एक होता है पर। इंद्रियां हैं पर, आंख देखती है देखने का सुख, लेकिन वो इंद्रियों का है, आपका नहीं है। लेकिन इंद्रियों से परे है अपनी आत्मा का सुख, और वो सुख पाए हुए सदगुरु के चरणों में बैठ के और मन बुद्धि चित्त को एकाकार करके। ऐसा नहीं जैसे कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे ये सुमरन नाही। ऐसा सुमरन करोगे तो पुण्य मिल सकता लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। और पुण्य का फल प्रत्यक्ष नहीं होता, पुण्य का फल तो आप उसका फल मिलेगा कालांतर में, कर्म का फल। पुण्य का मिलेगा स्वर्ग और पाप का नरक, और वो स्वर्ग और नरक के बारे में हमने सुना हुआ है, देखा नहीं है। सुना है कि स्वर्ग है, सुना है कि नरक है, सुना है कि वैकुंठ है, लेकिन स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, वैकुंठ भी यही है। जब आप राग और द्वेष घृणा ईर्ष्या में मेरे में तेरे में काम क्रोध में तपते हैं तो ये आप नरक में ही हैं। लेकिन आप भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में, सेवा में, सत्कर्म में, ईश्वर चिंतन में है तो आप स्वर्ग में ही। लेकिन आप अपने आप स्वरस में, खुद के सुख में, खुद के आनंद में अगर समाधिस्त हो गए तो आप न स्वर्ग में न नरक में, आप सीधे वैकुंठ में हैं, वहीं भगवान का वास है। और ऐसे भगवान को पाए हुए सदगुरु के मुख से जो सत्संग की धारा बहती है, और ऐसे सत्संग को चित्त को एकाकार करके जो सत्संग का श्रवण करता है सच्चे दिल से, भाव से, ऐसा नहीं इधर देखा उधर देखा कौन आ रहा कौन जा रहा है क्या बोल रहे हैं, तो आप शब्द में ही रुक गए। शब्द के माध्यम में, शब्द में उलझना नहीं, शब्द में फंसना नहीं, शब्द तो एक माध्यम है निःशब्द तक पहुंचने के लिए। ये शब्द रूपी नाद से शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की चोट पड़ती है नाद ब्रह्म पर। ये हृदय में जो नाद है अनंत चक्र, शरीर में अलग अलग चक्र है तो हृदय में जो अनंत चक्र है उस चक्र पर शब्द रूपी ब्रह्म के नाद का चोट पड़ती है तो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म से भीतर छुपे हुए परब्रह्म का सुख भीतर हमारे भीतर जगने लगता है। तो उस सुख को जगाने के लिए जब तक एकाकार नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो आप थोड़ी देर आए हैं बैठे हैं तो सब कुछ भूल जाए थोड़ी देर, यहां पर सिर्फ भगवान के भक्त होकर बैठे, यहां देह के संबंध और देह को मैं और मेरा मान करके ना बैठे। मैं बूढ़ा हूं कि जवान, बच्चा हूं कि बड़ा हूं, सेठ हूं कि साहूकार हूं, पद को लेके, मद को लेके, घर दुकान को लेके यहां मत बैठना। बैठे यहां घर का चिंतन, चलो टाइम हो रहा भाई, चलो 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 चलो, तो आप घर पे ही हो या नहीं हो तो फिर तो घर ही चले जाओ तो अच्छा, कम से कम एक जगह मन तो लगे। हाँ, आसमान से टपके और खजूर बैठ के ना घर के रहे ना ग्रांट के। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय हर चीज के लिए टाइम, तो भगवान के भजन के लिए भी बाउंडेशन टाइम फिक्स करके बैठ जाते टाइम। अरे टाइम क्या है, वही घड़ी सार्थक है जब हम ईश्वर चिंतन में ईश्वर भजन में गुजारते हैं, बाकी का समय तो ऐसे ही गुजर रहा है जा रहा है।
जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा हो जब प्रेम हो भगवान से। और घर जाके हम क्या कर लेंगे, अभी घर पे थे तो कौन से क्या कर लिया था, तो समय तो जा रहा है लेकिन थोड़े समय हम सामूहिक जप सामूहिक कीर्तन की अलग महत्ता है। घर में जब भजन ध्यान करने के लिए बैठते तो मन डावाडोल होता है, लेकिन सामूहिक सत्संग और सामूहिक रूप से भगवान का नाम उच्चारित होता है तो हमारा चित्त सामूहिक ध्यान में कीर्तन में एकाकार होने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा जो वहां बनती है वो पॉजिटिव ऊर्जा हम सबको मिलने लगती। कुछ ना करें, शांति से बैठ जाएं, संकल्प विकल्प से रहित होकर के विचारों की भीड़ से अलग, तो आपको यही आनंद मिलने लगेगा। सदगुरु देव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हरिओम।